राम राम सभी को। आज हम बात करेंगे नीरज वोरा के बारे में। एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, संगीतकार और लेखक। उन्होंने हिंदी फिल्म सिनेमा में फिल्म रंगीला, खिलाड़ी 420 और फिल्म एरा फेरी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। नीरज वोरा का जन्म जो है 22 जनवरी 1963 में गुजरात के भुज में हुआ था। वह एक जो शास्त्रीय संगीत के परिवार से जो है ताल्लुकात रखते थे। उनके पिता विनायक राय वोरा एक शास्त्रीय कलाकार और तार शहनाई वादक थे। नीरज ने कभी भी हिंदी सिनेमा में आने की ख्वाहिश नहीं रखी थी। उन्होंने भी छोटी उम्र में ही अपने पिता से जो है तार शहनाई की शिक्षा लेनी आरंभ कर दी थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात थिएटर ज्वाइन कर लिया। उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें गुजराती सिनेमा में जाने के लिए जो है उत्साहित किया। नीरज वोरा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भुज से पूरी की। नीरज हिंदी फिल्म सिनेमा में फिल्म निर्माता, निर्देशक, कॉमेडियन, संगीतकार और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता फिल्म होली से की थी। यह फिल्म साल 1984 में प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन, रंगीला, अकेले हम, अकेले तुम, बादशाह, हेलो ब्रदर जैसी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने जो है निर्देशन की दुनिया में भी जो है कदम आजमाया। वर्ष 2000 में फिल्म खिलाड़ी 420 से इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, महिमा चौधरी और जो है गुलशन ग्रोवर नजर आए थे। इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की। इस फिल्म के बाद उन्होंने हिंदी फिल्म सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में जो निर्देशित की, जिसमें फिर हेरा फेरी, हरन बोला, हरन फैमिली वाला। वह जल्द ही फिल्म हेरा फेरी निर्देशित करने वाले हैं। यह फिल्म हेरा फेरी का जो तीसरा पार्ट है, जिसमें जो है जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, परेश रावल, श्रुति हसन जो नजर आएंगे। और जो है इनके जो यहाँ तक भी कहा जाता है कि ये जो है कोमा में है शायद। और 14 दिसंबर 2017 को जो इनकी जो है डेथ हो गई। अभी इनने जो है नाटकों में भी किया, इन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी काम किया था। पिछले साल अक्टूबर में जो है नीरज वोरा को हार्ट अटैक आया था। 2017 में ब्रेन स्ट्रोक आया था। जिसकी वजह से जो वो कोमा में चले गए थे। और इन्होंने जो है हेलो ब्रदर्स, मन बादशाह जैसी फिल्मों में भी काम किया है। फिरोज नाडियावाला के घर पर जो इनको शिफ्ट कर दिया गया था। उनके दोस्त के घर पर एक साल कोमा में रहने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की उम्मीद छोड़ दी। वह केवल कुछ घंटों के लिए मेहमान है, इतना तक कहा था। काफ़ी समय से बीमारी से जूझने के बाद, एक साल कोमा में रहने के बाद जो एक्टर नीरज वोरा का जो है मुंबई में 14 दिसंबर 2017 को निधन हो गया। और इनकी जो हेरा फेरी 3 फिल्म भी अधूरी रह गई।